देश में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे अपने सपने का घर का इंतजार कर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने शराब कारोबारी रहे पॉन्टी चड्ढा के बेटे मनप्रीत उर्फ मोंटी चड्ढा को गिरफ्तार किया है। बुधवार रात को मोंटी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मोंटी चड्ढा पर बिल्डर बनकर फ्लैट नहीं देने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। गुरुवार को मोंटी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से फुकेट भागने से पहले इसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने मोंटी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उसने कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां बनाकर लोगों से पैसे ऐंठे और फ्लैट देने का वादा किया। चड्ढा परिवार 2006 में वेव सिटी नाम का प्रोजेक्ट लेकर आया था। ग्राहकों को बताया था कि 150 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में स्कूल, स्विमिंग पूल, क्लब, अस्पताल और हेलीपैड जैसी सुविधाएं होंगी। गाजियाबाद और नोएडा में पीड़ितों को 18 महीने के अंदर फ्लैट देने का वादा किया, लेकिन अभी तक ना तो फ्लैट मिला और ना ही पैसा वापस मिला। 2011 तक कोई निर्माण का काम नहीं हुआ। इसके बाद ग्राहकों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मोंटी और उसकी कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर में मोंटी चड्ढा पर करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि 11 साल के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं, लिहाजा मोंटी पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मोंटी ने महज 19 लाख रुपए में नोएडा में फ्लैट देने का ऐलान किया था। 2012 में पिता मोंटी चड्ढा और चाचा हरदीप की आपसी गोलीबारी में हुई मौत के बाद मोंटी चड्ढा के कंधों पर शराब के बड़े कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी आई थी। मोंटी अपने पिता की ही तरह स्कूल ड्रॉप आउट है। हालांकि पिता की मौत के बाद उसने शराब कारोबार की देखभाल शुरू की। इससे पहले मोंटी नोएडा और गाजियाबाद में दो बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को संभाल रहा था। 19 साल की उम्र में मोंटी पिता के वेव ग्रुप से जुड़े। इस ग्रुप के कई मॉल, वेव सिनेमा और रियल एस्टेट का कारोबार है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होता है और क्या घर खरीदारों को वाकई इंसाफ मिल पाता है या नहीं।